बीते 20 दिनों में सीएम के निर्देश पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की मध्यस्थता में बिल्डर और बायर्स की बैठकें कराई गई। इन हंगामेदार बैठकों में नतीजा तो कोई भी नहीं निकला, लेकिन बायर्स की आवाज जरूर शासन के कानू तक पहुंची। अब 1 मई से रेरा लागू होने वाला है, जिसके बाद उम्मीद है कि इस तरह के मसलों का समाधान निकल आएगा। आज आपकी प्रॉपर्टी में बात रेरा की करेंगे, लेकिन सबसे बायर्स की समस्याओं के समाधान की दिशा में नोएडा अथॉरिटी कर क्या रही है, तो रेरा कितना फायदेमंद होगा बायर्स के लिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदीप मिश्रा जी हैं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। प्रदीप जी, स्वागत है आपका दिल्ली आज तक के स्टूडियो में। और हमारे साथ हैं निरंजन शर्मा, बायर्स एसोसिएशन रियल्टी मीडिया डॉट इन से हैं। ये बायर्स की समस्याओं को सुनते हैं, उनका समाधान निकालते हैं और अथॉरिटीज तक उनकी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश निरंजन जी की तरफ से होती है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही है, हेमलता है हमारे साथ। जी हेमलता, पूछिए क्या सवाल आप पूछना चाहती हैं। मेरा ये सवाल है मैडम, मैंने पर्स के अंदर है ना जो पैसे रिमन किए थे, मैं एजेंट बनी थी उनकी, मेरे पास 20 खाते हैं, 3.5 लाख रुपए लोगों के देने हैं, तो अभी तक पर्स का पैसा मिला नहीं है मैडम। 2004 में पूरा हो गया था सबका। जी निरंजन जी, तो मतलब क्या है कि एक मिनट मैडम मेरी बात में। जी 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 हाँ जी, तो सारी जो लेडीज है ना, मेरे पास सब लेडीज है, जैसे सब गरीब है, बिलोंग करती है, तो वो क्या है कि सब मेरे को ना इतना मतलब मेंटली टॉर्चर कर रखा है कि मन करता मैं आत्महत्या कर लूं। पिछले साल तो मेरे साथ ये हादसा हो गया था, अब मेरा मन बिल्कुल ही मन नहीं करता जीने का, मैं क्या करूं मैडम बताओ। जी निरंजन जी, काफी परेशान है ये महिला, आप इनकी सवाल आपने सुना, आप बताएं इनकी समस्या का समाधान है क्या किसी तरह से कोई। बिल्कुल, समस्या का समाधान है, इसीलिए हमने रियल्टी मीडिया डॉट इन के नाम से एक डिजिटल फोरम शुरू किया है, जहाँ पे सारे लोग अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं, चाहे वो बिल्डर हैं चाहे वो क्लाइंट्स हैं, और उनकी समस्याओं का ना केवल हम सॉल्यूशन देंगे बल्कि उनके राइट्स के लिए हम फाइट भी करेंगे, हमारी टीम उनके लिए फाइट करेगी। मैं मैम को यही कहना चाहूँगा कि वो रियल्टी मीडिया डॉट इन पर एक बार अपने आप को रजिस्टर्ड करें, अपनी समस्या अपनी कंप्लेंट को उस पर डालें, हमारी टीम तुरंत उनसे बात करेगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास है उसके बेसिस पे आपका जरूर सॉल्यूशन निकालेंगे। जी निरंजन जी, एक बार फिर से आप रिपीट कर दें अपना जो एड्रेस आपने बताया जहाँ पर शिकायत भेजी जा सकती है। www.realtymedia.in। जी अमृता जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, यहाँ आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी पूछे क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं। ये आदर्श आवास योजना में एक फ्लैट बुक करवाया था। ठीक है, आदर्श आवास योजना आम्रपाली ग्रुप का है। ठीक है, और ये जो है अभी तक इनका 1 साल हो गया है, इन्होंने जो है 20% पेमेंट ले ली है। 20% पेमेंट ले चुके हैं ये लोग। निरंजन जी, ऐसी शिकायतें आपके पास बहुत आती होंगी, बहुत से लोग इस तरह की परेशानी लेकर आते होंगे, क्या इनकी समस्या का समाधान हो सकता है, कहां ये जाएं अपनी परेशानी। बिल्कुल, समस्या का समाधान आप लोगों का हो सकता है। आम्रपाली आदर्श आवास योजना में टोटल 4000 फ्लैट आम्रपाली ग्रुप ने बेचे थे, जिसमें करीब 250 करोड़ रुपए आम्रपाली ग्रुप ने लोगों से इकट्ठा किया है। अभी जो हमने उस पर सर्वे करवाया, जांच करवाया, उससे पता चला कि वो जो आवास योजना उन्होंने लॉन्च की थी जी, जिसके तहत उन्होंने इतना सारा पैसा इकट्ठा किया था, उसकी लैंड जो है वो अथॉरिटी के पास है, उस पर अथॉरिटी के बहुत सारे ड्यूज हैं। तो हमारा सजेशन ये है कि इन 4000 लोगों को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए, और अभी टाइम है कि आप लोग इकट्ठा होके सरकार के पास जाएं, अथॉरिटी के पास जाएं और अपने पैसे का रिफंड जो है वो वापस करें। आप रियल्टी मीडिया के तहत अगर इस केस को लड़ना चाहते हैं तो रियल्टी मीडिया इसमें पहल करेगी। हमें केवल आपसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम खुद आपके लिए फाइट करेंगे, चाहे हमें मिनिस्ट्री में जाना पड़े, अथॉरिटी में जाना कहां पड़े। संपर्क करें निरंजन जी ऐसे लोग? ऐसे लोग realtymedia.in ऑनलाइन कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर है 9711555222, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी एक ग्रुप अगर हमसे संपर्क कर लेता है तो फिर हमारी टीम खुद आपसे संपर्क कर लेगी और आप तक पहुंचेगी, और आपकी समस्याओं को जानते हुए आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके और हम आप लोगों के लिए
फाइट करके आपके राइट्स वापस दिलवाएं। तो रियल्टी मीडिया डॉट इन पर आप अपनी समस्या बता सकते हैं, ये आपके बिहाफ पर लड़ेंगे। हमारे साथ निरंजन शर्मा है रियल्टी मीडिया डॉट इन से और प्रदीप मिश्रा है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। निरंजन जी, सवाल आपसे ये कि क्या आप सिर्फ बायर्स के हक के लिए लड़ते हैं या फिर बिल्डर्स को भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है उनके लिए भी कोई परेशानी लेकर आपके पास आ सकता है? रियल्टी मीडिया डॉट इन जो हमने फोरम एक बनाया है उसमें हर आदमी रजिस्टर्ड हो सकता है। हम हर एक के राइट्स के लिए फाइट करेंगे, चाहे वो बिल्डर है। बहुत सारे बिल्डर्स भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज में प्रॉब्लम आती है, कभी एनओसी नहीं मिलती, कोई ओसी नहीं मिलती, कुछ और होता है, तो हम उनके बिहाफ पे भी फाइट करेंगे और उनको भी हम जस्टिस दिलाएंगे। तो हम रियल स्टेट से जुड़े कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, चाहे वो बायर है, चाहे बिल्डर है, चाहे उनके एम्प्लॉइज हैं, ब्रोकर्स हैं। परेशानी लेकर यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। जी, तो इन बातों का ख्याल आप रखें। प्रदीप जी आपका और निरंजन जी आपका बातचीत के लिए, दर्शकों के सभी सवालों के जवाब आपने दिए, शुक्रिया। आपकी प्रॉपर्टी में आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दली आज तक।